नमस्कार दोस्तों, इन्फाटोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल रिलेशन से, जहां पर दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मिलकर 3 इम्पोर्टेंट बिल्स को लॉन्च किया गया है। और अभी इसके थ्रू आगे चलकर दोनों कंट्रीज के बीच जो बायलेटरल रिलेशन है वो और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो पहला प्रोजेक्ट तो अगरतला से अखोरा के बीच में जो रेल लाइन बन रही थी उसको ओपन किया गया है, जो कि क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन है जिस 12 से 13 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करेगी वाया बांग्लादेश। 392 करोड़ रुपीस इसके ऊपर स्पेंड किए गए हैं और पूरा पैसा भारत सरकार के द्वारा खर्च किया गया है। दूसरा बजट खुल्ला से मोंगला पोर्ट रेल लाइन है, जो कि पूरी तरह से बांग्लादेश में बनकर तैयार हुई है और इसके लिए जितना भी पैसा लगा है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनको एज ए लोन दिया गया है। एंड लास्ट 1320 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश के खुल्ला में बनाया गया है, जिसके ऊपर 1.6 बिलियन डॉलर स्पेंड किए गए हैं और इसकी असिस्टेंस भी भारत सरकार ने इनको दी है। और क्योंकि एनटीपीसी का इसमें ऑलमोस्ट 50% स्टेक है, तो आगे चलकर इस थर्मल प्लांट से जैसे बिजली बेची जाएगी या फिर पावर बेची जाएगी उसमें एनटीपीसी को रिवेन्यू भी जनरेट होगी। अगली दो सब्डे निकल कर आ रही है डोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शक्ति होरमैन से, जिनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो जयपुर में उनकी एक नई डोर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने वाले हैं और 175 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करेंगे। तो उसे इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में बनेगा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1.3 लाख वुडन डोर्स पर एनम की होगी, साथ साथ 2 लाख के आसपास स्टील डोर्स भी पर एनम में मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। फिलहाल अभी इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो सभी के सभी हैदराबाद में है, जिसके थ्रू हमारे देश के सदर मार्केट्स में अभी ये काम करते हैं। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया कि देश के नदर मार्केट में भी एंट्री करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2024 में मार्च के आसपास इनका प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और उसके 2-3 महीने के बाद मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होगी। अगली दो सब निकल कर आ रही है केवड़िया गुजरात से, जहाँ पर दोस्तों इस सिटी को फर्दर एलिवेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और 160 करोड़ रुपीज़ इनके ऊपर स्पेंड किए गए हैं, जो आगे चलकर केवड़िया को भारत में एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। दोस्तों केवड़िया के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू मानी जाती है। और कॉन्स्टेंटली हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि केवड़िया को एक टूरिस्ट सिटी के रूप में ही डेवलप किया जाए। अभी जो प्रोजेक्ट्स इनोग्रेट किए गए हैं उनके बारे में अगर आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में एक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा की लाइव आरती, कमलम पार्क, एक वॉकवे, 30 नई ई बसेस, 210 ई बाइसाइकल्स एंड मल्टीपल गोल्फ कोर्सेस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक सहकार भवन, इसके अलावा एक सोलर प्लांट और एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए फाउंडेशन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया है। अगली दो सब निकल कर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर दोस्तों श्रीनगर में क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को पुश करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा 100 ई बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है और ये जम्मू एंड कश्मीर में 15 इंट्रासिटी और 2 इंटरसिटी रूट्स पर ऑपरेट होंगी। दोस्तों सभी की सभी बसेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोक्योर की गई हैं, जिसके अंतर्गत स्मार्ट मोबिलिटी के ऊपर काफ़ी बड़े स्केल पर काम किया जा रहा है। यूनिवर्सल एक्सेस, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इस तरह के सभी सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। ऑन बोर्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, एमरजेंसी स्टॉप फैसिलिटी, ये चीज़ें भी इसमें लगाई गई हैं, जो कि आपको यूजली दूसरी बसेस में भी देखने को मिलती हैं। इन बसेस की पार्किंग को लेकर श्रीनगर के पंथा चौक में एक बस डिपो भी बनाया जा रहा है, जो कि भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले कुछ ही महीने में वो बन जाएगा, तो वहां पर इनको पार्क किया जाएगा। फिलहाल भी वहां पर ई बसेस की चार्जिंग को लेकर जो चार्जिंग स्टेशन है वो सेटअप कर दिए गए हैं। अगली दो सब डेनिंग लग रही है यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जहां पर दोस्तों और फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो उनके एरिया में एक नई जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप को सेटअप करेंगे और यमुना एक्सप्रेस वे के अगल बगल सेक्टर 10 और सेक्टर 32 को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है, जहां पर बहुत ही जल्द काम स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान बहुत सारी जापानीज कंपनीज ने येडा के साथ में इन्वेस्टमेंट को लेकर एमओयू साइन किए थे और क्योंकि येडा चाहती है कि आगे चलकर हमारे देश की ओवरऑल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यूपी की कंट्रीब्यूशन और बड़े स्केल पर हो, तो इसी कारण जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी सेटअप की जाएगी, जहां पर जापानीज इन्वेस्टर्स को ऐसा लगेगा कि वो जापान में ही काम कर रहे हैं। 500 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरास, इन सब एरियाज में काम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दूसरी चीज़ें जो कि रेजिडेंस के लिए जरूरी होती हैं वो भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बनाई जाएंगी। और एक अच्छी बात ये भी है कि अभी जो जापानीज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने येडा के साथ में एमओयू साइन कर रखे हैं, उन्होंने इन दोनों सेक्टर्स में सोइल टेस्टिंग कम्प्लीट कर ली है और उनका कहना है कि अगर यहाँ पर जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप की जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी हैं। मोस्ट प्रोबेबली येडा के अकॉर्डिंग अगले एक महीने के अंदर अंदर वो इसके ऊपर ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर देंगे। अगली दो सब डे निकल करा रही है मीरा भयंदर से, जहाँ पर दोस्तों मीरा भयंदर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश करते हुए 5 इलेक्ट्रिक बसेस मीरा भयंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास भी डिलीवर कर दी गई हैं और इनको मीरा भयंदर के अलग अलग रूट्स पर अभी फ्लैग ऑफ भी किया गया है। दोस्तों नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि अराउंड 2019 में लॉन्च किया गया था, उसके अंतर्गत हमारे देश में कई सारी सिटीज को सिलेक्ट किया गया था जहां पर
ई बसेस को एलोकेट किया जाना था और मीरा भाई अंदर भी उन्हीं में से एक थी। और अभी जो 5 ई बसेस इनको दी गई हैं उनमें से अभी 4 ई बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है। वैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल मीरा भाई अंदर के लिए 57 ई बसेस प्रोक्योर की जानी है, जिनके ऊपर 81 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और अभी क्योंकि धीरे धीरे इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है तो आपको मीरा भाई अंदर के अलग अलग रूट्स पर ही ऑपरेट होती भी देखने को मिलेंगी। बड़े दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, चो निकल कर आ रही है स्वेडिश टेलीकॉम गियर मेकर एरिक्सन से, जिन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो हमारे देश में 6G टेक्नोलॉजी को लेकर एक R&D सेंटर सेटअप करने वाले हैं। और हमारे देश के इंस्टीट्यूट जो कि स्पेसिफिकली टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं उनके साथ में वो मिलकर 6G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो सभी आप जानते हैं कि हमारे देश में जो 5G डिप्लॉयमेंट है वो काफी बड़े स्केल पर हो रहा है और काफी तेजी से हो रहा है। हालांकि अगर आप 5G लॉन्च को देखें तो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में इसको हमारे देश में ऑलमोस्ट 1.5 साल लेट लॉन्च किया गया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि आगे चलकर जब 6G टेक्नोलॉजी आएगी वहां पर भारत फ्रंट रनर रहे। और अभी एरिक्सन जो कि रेयरली दूसरी कंट्रीज में ऐसे फैसिलिटीज को सेटअप करता है, उन्होंने भारत को एज अ मेन पार्टनर सेलेक्ट किया है। इसके अलावा US और स्वीडन, इन 2 कंट्रीज में ही इन्होंने 6G R&D सेंटर सेटअप किए हैं और इंडिया ऐसे में 3rd कंट्री है जहां पर ये R&D सेंटर सेटअप करने वाले हैं। चेन्नई में मोस्टली इसको बनाया जाएगा क्योंकि वहीं पर इनके ज्यादातर ऑपरेशंस होते हैं और इनिशियली ये स्मॉल स्केल की यूनिट होगी। जैसे जैसे यहां पर प्रोग्रेस होगा इस सेंटर को बड़ा भी किया जाएगा। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नीति आयोग के द्वारा एक कोर स्टडी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके थ्रू वो हमारे देश के वो सेक्टर्स जिनमें ये पावर है कि वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं उनको इवेल्युएट करेंगे। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना से डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमारी नीति आयोग के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की जानी है जो कि अगले कई महीनों तक होगी। और उसी समय इसके बारे में आपको हिंट भी दिया था कि इस प्लान के ऊपर भी काम हो रहा है और अब ये काम स्टार्ट भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, पावर, इस तरह के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, टोटल 10 से 12 सेक्टर्स के ऊपर ये स्टडी होगी। अगले 4 महीने तक नीति आयोग के द्वारा स्टडी कंडक्ट की जाएगी और जब स्टडी कंप्लीट होगी और उसके जो आउटकम्स आएंगे उसी के बेसिस पर हमारी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज होंगी जिनको लॉन्च करना पड़ेगा और कौन कौन सी ऐसी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है जिनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और देखिए दोस्तों ये जरूरी भी है क्योंकि अभी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को आप कह सकते हैं कि एक टाइप का ये सोता हुआ शेर है और अगर ये जग जाता है तो हमारे देश में काफी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। आप इस पिक्चर को देखिए जहां पर ये बताया गया है कि पिछले 5 सालों के दौरान हमारे देश की GDP में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना था, ऑलमोस्ट आपको ये स्टैग्नेंट देखने को मिलेगा 16-17% के आसपास। एटलीस्ट अगले कुछ सालों के अंदर अंदर इस 16-17% को इंक्रीज करके हमें 25% तक तो करना ही होगा, तभी जाकर भारत में बड़े स्केल पर जॉब जनरेट हो पाएंगी। अभी नीति आयोग के द्वारा जो स्टडी कंडक्ट की जा रही है उसके देखते हैं कि क्या आउटकम निकल कर आते हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट को लेकर DRA और DMRC के जॉइंट वेंचर को लोएस्ट बिडर डिक्लेयर कर दिया गया है और फाइनली आप कह सकते हैं कि इसके भी रिडेवलपमेंट के ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को रिडेवलप करने के लिए पहले भी बिड्स इनवाइट की गई थी, लेकिन जब उस समय बिड्स इनवाइट की गई थी वहां पर लोएस्ट बिड 5,300 करोड़ रुपीज की आई थी जो कि हमारे RVNL के एस्टिमेट 2,500 करोड़ रुपीज से ऑलमोस्ट दुगनी से भी ज्यादा थी। तो इसी कारण प्लान में कुछ चेंजेस करके और टेंडर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करके RVNL ने दोबारा से बिड्स इनवाइट की और अभी लोएस्ट बिड अराउंड 2,400 करोड़ रुपीज की निकल कर आई है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अब इसका काम भी हमें आगे जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।